तो जल्दी से हम कर लेते हैं अपने चिकन की मैरिनेशन। उसके लिए हमने ले लिया है एक बाउल, उसमें हम डालेंगे अपना चिकन क्यूब्स में कटा हुआ। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम नमक यानी के सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर यानी के लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक यानी के हल्दी 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर क्रश्ड 1/2 टीस्पून। ये हमने डाल दिए इसके स्पाइसेस। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा योगर्ट, थोड़ा सा वाइट विनेगर जो कि इसके टेस्ट को खट्टा सा बना देगा। इसको हम कर लेते हैं मिक्स। इस बारबेक्यू ऑमलेट को बनाने के लिए हमने फटाफट से कर लिया है चिकन को मैरिनेट। आपने क्या करना है, इसको पहले से ही मैरिनेट करके रख लेना है और फ्रीज कर देना है। इसका कुछ भी ख़राब नहीं होगा। आपने यूँ करना है कि इसको बस फटाफट से फ्रीज़र से निकाला और ऑमलेट में डाल दिया। तो हम ले लेते हैं एक पैन और इसमें डालते हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसको ग्रीस कर लेते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन। इसको आपने हाफ रन करना है, इसका हमने सिर्फ पानी ड्राई करना है। ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है, चिकन हमारा हाफ रन हो चुका है। यही वो स्टेज है जहाँ पे आपने इसको बंद कर देना है और इसको हम एक अच्छे से बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा सा नमक, तकरीबन 2 पिंच, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं अंडे को। स्टोव को कर देते हैं थोड़ा सा मीडियम ताकि ये स्लो कुक हो। ये पकना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा साइडों से इसे हटा लेते हैं। आटा मिक्स कर देते हैं इसमें। थोड़ा सा आटा छिड़कने से फायदा ये होता है कि इसका कलर बहुत ही अच्छा ब्राउन आ जाता है। थोड़ा सा कुक हो चुका है, अब हम इस पर अपने टोमेटो को सेट कर देते हैं। अब हम लगा देते हैं इस पर शिमला, बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हो गया हमारा कुकी। अब हम डालेंगे इस पर अपना चिकन। चिकन को हमने हाफ डन कर लिया था, अब हम जब इसको कुक करेंगे बाकी का चिकन उसमें गल जाएगा। आटा डालने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें अच्छी सी लुक आ जाती है, इसका कलर बहुत अच्छा सा ब्राउन हो जाता है। इस पर डाल देते हैं अब हम थोड़ी सी चीज़। वेरी यूनिक रेसिपी, ट्राई करके देखिएगा। अब हम ढक देंगे इसको 1 मिनट के लिए। स्टोव को कर देंगे स्लो। आफ्टर 2 मिनट्स ये हमारा तैयार हो जाएगा। 1 मिनट हमारा हो चुका है, इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए
कलर बहुत प्यारा आया है। अंडे ने साइड्स को छोड़ दिया है, पैन को छोड़ दिया है। तमाम वेजिटेबल्स बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आपने इसी वीक में ये मुझे ट्राई करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चीज़ मेल्ट हो चुकी है, अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा चूल्हे को तेज़। ये पक चुका है, थोड़ा सा आटा हम इस पर और स्प्रिंकल कर लेते हैं। ये हो गया हमारा डन, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।